मैम के मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। राजस्थान की राजनीति का जो पिछले एक महीने का घटनाक्रम चल रहा था, उस घटनाक्रम में आप देखकर और सुनकर हैरान हो जाएंगे, क्योंकि इस घटनाक्रम में आज बलि का बकरा बने हैं कौन? जो अपने आप को सवा शेर बन रहे थे, वो खुद बलि का बकरा बन गए हैं। जिया साहब गहलोत, अशोक गहलोत, और अगले सीएम जो राजस्थान के होंगे वो होंगे सचिन पायलट। और यहां पर अशोक गहलोत को किस प्रकार से साइडलाइन कर दिया गया है, पूरी खबर दिखाऊंगा। बस अनुरोध करूंगा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और हर एक फोन तक पहुंचा दीजिए। और आज यहां ये भी दिखेगा कि कैसे एक पार्टी जो पार्टी का ढोंग रचती है, उसका स्वांग रचती है, वो एक पार्टी नहीं एक परिवार है। लिए चलता हूं खबर की तरफ, फिर से अनुरोध करूंगा पूरी वीडियो देखिएगा, क्योंकि जो स्वांग है पार्टी और परिवार का वो बड़ा खुलासा यहां पर है। और अशोक गहलोत के साथ जो धोखा हुआ है, उस धोखे को कैसे वो बर्दाश्त कर पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। उस सवाल का जवाब अभी अशोक गहलोत ही दे पाएंगे, कि अशोक गहलोत खुद आए थे मीडिया के सामने, सचिन पायलट भी आए थे, अशोक गहलोत भी आए थे, दोनों ने अपने दिल की बात कही है। चलिए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए। सबसे पहली और अहम बात यहाँ पर मैं बता दूं कि राजस्थान में जो जारी सियासी संग्राम है, उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ताजा बयान जो कि कई मायने निकाल रहा है, वो ताजा बयान उन्होंने आज दिया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अब जब तक जिंदा रहेंगे तब तक अभिभावक बनकर रहेंगे। साथ ही उन्होंने विधायकों की नाराजगी दूर करना उनकी जिम्मेदारी है। पत्रकार ने सीएम गहलोत से पूछा तो क्या आप 5 साल अगले सरकार चलाएंगे, इस पर उन्होंने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी, ध्यान रखिएगा, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी 5 साल तक सरकार चलाएगी और मैंने अपने विधायकों से कहा है जब तक जिंदा रहूंगा आपका अभिभावक बनकर रहूंगा। इस बयान के साथ अटकलें तेज हो गई हैं, क्योंकि क्या सीएम अशोक गहलोत कुर्सी से विदा ले रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये नहीं कहा कि वे 5 साल तक सरकार चलाएंगे, और बल्कि उन्होंने ये कहा कांग्रेस 5 साल तक सरकार चलाएगी। इसका मतलब साफ है कि जो बब्बर शेर बन रहे थे अशोक गहलोत, आज वो बलि का बकरा बन चुके हैं, ऐसा इनके वक्तव्यों से लग रहा है और सोशल मीडिया पर ये वायरल हो रहा है। और वहीं सचिन पायलट भी सामने आए थे, उनकी बातों को आगे बताऊंगा, लेकिन सीएम गहलोत का ये जो बयान है ऐसे समय पर आया है जब कुछ समय घंटों पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट अपने समर्थकों विधायकों के साथ करीब 1 महीने बाद जयपुर लौट रहे हैं। पायलट को नकारा कहने वाले गहलोत अब वहां यह कह रहे हैं कि अब मैं अभिभावक बनकर रहूंगा। सीएम अशोक गहलोत ने किसी कहा कि बीजेपी नेताओं से पूरा जोर लगा दिया, लेकिन हमारा एक आदमी भी टूट कर नहीं गया। बीजेपी ने हमारी सरकार को किस कीमत पर गिराने का षड्यंत्र रचा, ये इस माहौल के बीच में हमारे एक विधायक भी उनके साथ नहीं गए। ऐसे में सोच सकते हैं कि मेरी प्रतिशत सोच क्या होगी। मैंने उनसे कहा है कि जब तक जिंदा रहूंगा तब तक आपका अभिभावक बन के रहूंगा। सीएम ने आगे कहा कि मेरा फर्ज बनता है कि सचिन पायलट को हाईकमान और मुझ पर भरोसा है, जिन लोगों ने नाराजगी जाहिर की है उन्हें दूर करना मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि अभी तक मैं मुख्यमंत्री हूं। उसके बाद सीएम ने जब सवाल पूछा गया ये काम पहले भी हो सकता था, तो इस पर उन्होंने कहा ये तो आप उन लोगों से बात कीजिए जिनकी वजह से ये सब हुआ। सवाल को टालते हुए सीएम गहलोत ने कहा कि राजस्थान की जनता ने बीजेपी को हराया है और वे उनके बहकाव में नहीं आएंगे। राजस्थान की जनता हमारे कार्यकर्ता और हमारे विधायकों को दिखा दिया कि हम बीजेपी के मुकाबला कर सकते हैं। इनकम टैक्स, CBI, सबका दुरुपयोग हुआ। सचिन पायलट अपने समर्थकों विधायकों के साथ आज जयपुर लौट रहे हैं और राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ बगावत करने वाले पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की जिस प्रकार से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात के बाद उनके उचित समाधान से 3 सदस्यीय गठन का फैसला लिया गया था, उसके बाद प्रदेश के सियासी जो संकट का पटाक्षेत्र नजर आ रहा था वो अब कई हफ्तों से इस समय उठा पटक के बीच राहुल गांधी और कांग्रेस के महासचिव प्रियंका वाड्रा से 2 घंटे की मुलाकात के बाद ये सब कुछ खत्म होता था नजर आ रहा है। लेकिन यहां पर
एक पिक्चर खत्म होती है तो दूसरी पिक्चर शुरू हो जाती है, और वो दूसरी पिक्चर बहुत कुछ बयां कर रही है, उस पिक्चर के मायने बहुत कुछ हैं जो हमें आपको समझना पड़ेगा। जो ये कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम, और ये एक पूरी तरह से पार्टी है, एक सोच है, हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी एक सोच है, कि सोच एक सोच है और वो सिर्फ कांग्रेस के परिवार का सोच है। सचिन पायलट से मुलाकात हुई है राहुल गांधी की, प्रियंका गांधी की, और उन सब के बीच जब बयान आता है तो वो बयान कुछ इस प्रकार से आता है कि राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी से सलाह मशवरा लिया, और प्रियंका गांधी ने भी कुछ युवाओं से सलाह मशवरा लिया, और जो सोनिया गांधी हैं उन्होंने कुछ सलाह मशवरा लिया, यानी कि तीन नाम के अलावा कोई चौथा नाम नहीं आया कि सलाह मशवरा किससे किया गया। इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस पार्टी एक सोच है, और वो एक परिवार की सोच है, उस परिवार की सोच, क्योंकि सोच पूरे देश में अलग अलग हो सकती है, एक देश एक सोच ये इम्पॉसिबल है, ये चीज़ संभव नहीं है, इसलिए कांग्रेस एक सोच है मान सकते हैं, क्योंकि परिवार का सोच है, एक परिवार का सोच एक हो सकता है, एक देश का सोच, एक पार्टी का सोच एक नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें भिन्नता होगी, और ये है कांग्रेस पार्टी का सच। और आज सचिन पायलट जिस प्रकार से अशोक गहलोत को यहाँ झटका लगा है, और वो साफ तौर पर अब अभिभावक बनने के लिए तैयार, मतलब साफ है कि आज शाम तक या कल तक कुछ बड़ा होने वाला है, वो भी राजस्थान में, और राजस्थान का कुछ बड़ा क्या बड़ा होगा वो साफ तौर पर सचिन पायलट से क्या डील हुई है, ये सब कुछ आपको बता, ये वक्त बता देगा। लेकिन इस बीच जो ये सब खेल हुआ है, उस सब खेल के पीछे एक बड़ा नाम है भारतीय जनता पार्टी का, जिसने कांग्रेस की सरकार वहाँ पर लगभग बनवा दी है। वो भले ही सचिन पायलट बने या अशोक गहलोत बने, लेकिन सरकार तो कांग्रेस की होगी। इन सब में जो खेल खेला है, वो खेल खेला है वसुंधरा राजे सिंधिया ने, और ये गेम, ये जो गेम है वो सारा वसुंधरा राजे सिंधिया का फिट किया हुआ है। आपको बता दें, पिछले साल जब इन लोगों की सरकार बनी तो 2018 के बाद, तो इन लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने, अशोक गहलोत ने लोगों के बंगले हटाए थे, बंगले से हटाया था और अलॉट किया था नए बंगले। उसमें जब बीजेपी के लोगों को हटाया गया तो उसमें वसुंधरा राजे को नहीं हटाया गया, अलॉट किया गया, मतलब उनका बंगला था उन्हें छोड़ने के लिए नहीं कहा गया। और जब पूछा गया तो उन्होंने कहा, गहलोत ने खुद कहा कि वरिष्ठता के आधार पर हमने ऐसा नहीं किया। मतलब साफ है कि खिचड़ी बहुत दिन से पक रही थी, और सचिन पायलट कहीं ना कहीं इसमें पिस रहे थे, लेकिन अंततः जो शेर बन रहा था वो बलि का बकरा बन गया। वीडियो खत्म करूंगा, अनुरोध करूंगा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बने रहो न्यूज़ नेशन के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।